मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेनिंग और टीचिंग के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। टीचिंग क्या है और ट्रेनिंग क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक टीचिंग ट्रेनिंग। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज थियोरेटिकल। टीचिंग क्या है? टीचिंग थ्योरेटिकल है। वही हम लोग देखें तो ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल। ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है और टीचिंग में आपका थ्योरेटिकल की थ्योरी का जरूरत होता है। नेक्स्ट है टीचिंग प्रोवाइड्स न्यू नॉलेज। टीचिंग क्या करता है? टीचिंग आपका न्यू नॉलेज प्रोवाइड कराता है। वही ट्रेनिंग लर्न टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर अप्लाइंग द गेन्ड नॉलेज। जो पहले से गेन किया हुआ नॉलेज उसमें आपको अप्लाई करने के लिए तैयार करता है कि कौन सा टूल और कौन से टेक्निक की मदद से और कौन से मेथड की मदद से आप अपना ट्रेनिंग को पूरा कर सकते हैं, काम को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। टीचिंग जो है ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। वही ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग। वही टीचिंग जो है ट्रेनिंग का पार्ट है। अभी आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, पीएचडी टीचर बनने का ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, तो आप नॉलेज क्या कर रहे हैं? नॉलेज टीचिंग से आप इसमें आप लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग में। टीचिंग इज वाइडर, ट्रेनिंग इज नैरो। टीचिंग क्या है? टीचिंग बहुत बड़ा है, वाइड है, वहीं जो ट्रेनिंग है वो नैरो है, छोटा है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। टीचिंग फिल्स माइंड। टीचिंग आपके माइंड को भर देता है नॉलेज से। वहीं ट्रेनिंग जो होता है शेप करता है आपके हैबिट्स को। ट्रेनिंग आपके हैबिट्स को शेप करता है, सही हैबिट दिलाता है। टीचिंग क्या है? बेस्ड ऑन नॉलेज एंड विजडम विद लॉन्ग टाइम पीरियड। टीचिंग क्या करता है? ये बेस्ड है नॉलेज और विजडम पे। नॉलेज आप लोग समझ रहे हैं, ज्ञान है, विजडम आपकी जो बुद्धि है वो उस पर। और ट्रेनिंग बेस्ड ऑन स्किल्स एंड एबिलिटीज विद अ शॉर्ट पीरियड। ये लॉन्ग पीरियड के लिए है विद नॉलेज एंड विजडम। वही ट्रेनिंग क्या है? स्किल्स एंड एबिलिटीज जो होता है उस पर है, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स ब्रेथ ऑफ नॉलेज इन ऑल एरियाज। टीचिंग क्या कराता है? ये प्रोवाइड कराता है, एक तरह से ब्रेथ है कि नॉलेज के जितने भी एरियाज है सबको वो पिकअप करता है। वहीं प्रोवाइड डेप्थ ऑफ नॉलेज इन स्पेसिफिक एरिया। सिर्फ एक ही स्पेसिफिक एरिया में ही आपको स्किल गेन कराता है, ठीक है। ट्रेनिंग जो है अभी आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में एज अ टीचर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन क्या ये स्किल आपका जो जितने भी स्किल्स हैं क्या ये आप एक डॉक्टरी का ट्रेनिंग में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये स्पेसिफिक एरिया है। नेक्स्ट है इस फॉर जनरल एरिया। टीचिंग जो है ये जनरल एरिया से है। इस फॉर स्पेसिफिक एरिया, ट्रेनिंग इज फॉर स्पेसिफिक एरिया। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। टीचिंग क्या करता है? प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। वहीं ट्रेनिंग प्रोवाइड स्किल्स एंड मेथड्स। ट्रेनिंग क्या कराता है? स्किल्स और मेथड प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है टीचिंग रिलेट्स टू सब्जेक्ट एरियाज। टीचिंग क्या है? टीचिंग है आपका सब्जेक्ट एरिया। और वहीं ट्रेनिंग रिलेट्स टू फंक्शनल एरिया। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग है फंक्शनल एरिया रिलेट होता है। यूजुअली क्रिएट द नीड टू नो द नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स। यूजुअली क्या क्रिएट करता है कि बच्चे को नॉलेज गेन कराने के लिए इसकी जो नीड है, ये बच्चे को नॉलेज गेन कराने के लिए होता है। वही ट्रेनिंग देखा जाए द स्टूडेंट देमसेल्फ रियलाइज द नीड टू नो। ट्रेनिंग में बच्चे खुद ब खुद जानते हैं कि उसको क्यों ज़रूरत है ट्रेनिंग की। वहाँ बच्चों को बताया जाता है कि नॉलेज की क्यों ज़रूरत है। यहाँ ट्रेनिंग जो है वो और जो ट्रेनिंग है वो खुद ब खुद जो सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, वो खुद ब खुद रियलाइज़ करता है कि उसको ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है टीचर प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट। टीचिंग में टीचर प्रोवाइड कराता है कि फीडबैक्स कि आपका रिजल्ट क्या हुआ है, आपने कितना गेन किया है, आपने कितना क्या अचीव किया है। वही ट्रेनर
ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको ट्रेनर फीडबैक देता है कि आपने किस स्किल में क्या यूज़ किया है और क्या करने से अच्छा होगा। तो ये आपने अंतर देख लिया टीचिंग और ट्रेनिंग का, मुझे उम्मीद था आप लोग इसको समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।